नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है वो इस प्रकार है। दोस्तों इस फील्ड कॉइल को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं ये ठीक है या खराब। यह फील्ड कॉइल बोस का जो चौकसा मशीन होता है उसकी ये फील्ड है। और दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट है और ये वो जो बोस का जो चौकसा मशीन है वो कस्टमर का कहना था कि वो करंट मार रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम यही आज चेक करने वाले हैं। इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम मिलती है, आइए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों ये है हमारे पास सीरीज बोर्ड से लगी हुई तार जो कि हम लोगों ने सीरीज में लगाया हुआ है। देखिए यहां से हम लोग इसको अटैच करते हैं आपस में तो हमारा बल्ब पीछे की ओर है जो कि मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि वो पीछे की ओर है। तो देखिए दोस्तों ये सीरीज बोर्ड है, यहां से आप थोड़ा महसूस कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग फील्ड कॉइल को चेक कर पाएंगे, चेक करेंगे कि ये किस प्रकार चेक होती है और कहां से हम लोग इसको फॉल्ट ढूंढ सकते हैं। तो चलिए इसकी जो वायर है पहले उसको चेक करते हैं। दोस्तों ये वाली इधर वाली जो फील्ड कॉइल है इसका एक कनेक्शन होता है और दोस्तों इधर वाली जो कॉइल है इसका अलग कनेक्शन होता है। दोनों के अलग अलग कनेक्शन होते हैं जो कि इधर से वायर गई और इधर निकल गया। ये देखिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इधर की वायर आई और इधर ही निकल गई, आप देख पा रहे होंगे। और हम लोग इसको चेक करेंगे, अभी एक वायर इसी का लेंगे, इसी कॉइल का लेंगे, एक इधर से आया है और इधर पीछे निकल गया, आप देख पा रहे हैं। फिलहाल ये कनेक्टिविटी सही दिखा रहा है। सीरीज का मतलब होता है कनेक्टिविटी को दिखाना कि हमारी वायर कहीं से डिसकनेक्ट तो नहीं है। इधर से चेक करेंगे तो पीछे हमारा करंट निकलना चाहिए जैसे कि अभी देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी जो ये कॉइल है इसकी कनेक्टिविटी यहां तक पहुंच रही है। अब दूसरी की हम लोग कनेक्टिविटी चेक करेंगे, दूसरी वायर की, जैसे एक वायर नीचे जो नीचे वाली कॉइल है उसको भी चेक करेंगे। एक तार इधर लगाएंगे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। एक वायर इसको यहां पे अटैच करेंगे और एक यहां पे अटैच करेंगे। दोस्तों ऐसे भी ठीक दिखा रहा है। तो अभी देखेंगे इसके अंदर कमी क्या है। दोस्तों समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। अब इसकी बॉडी को हम लोग वायर अटैच करेंगे, जो फील्ड कॉइल की बॉडी है उसको हम लोग एक वायर बॉडी को अटैच करेंगे और एक इसकी जो वायर को अटैच करेंगे। दोस्तों यहां पे जो ऊपर वाली कॉइल है इसके अंदर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। और दोस्तों अब दूसरे वाली जो नीचे वाली कॉइल है उसको चेक करेंगे, अब बॉडी को अटैच करेंगे और यहां पे लगाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, अब मैं थोड़ा सा इसको खड़ी कर देता हूं, फील्ड कॉइल को थोड़ा गौर से देखना। अभी मेरे को कुछ यहां पे हलचल नजर आ रही है, आपको दिखाना चाहता हूं। यहां एक तार हम एक वायर जो है बॉडी को अटैच करेंगे और दूसरा यहां पे करेंगे। दोस्तों आप लोगों को कुछ नजर आ रहा होगा, कुछ हलचल नजर आ रही होगी आपको। आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा अच्छे से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा मैं पास में ले आता हूं कैमरे को, थोड़ा अच्छे से दिखाता हूं आप लोगों को। अब शायद आपको यहां से नजर आ जाएगा, एक वायर में बॉडी को अटैच करता हूं और दूसरा यहां पे अटैच करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों यहां पे कैसे इसके अंदर में हलचल हो रही है। तो कस्टमर का सही कहना था कि ये करंट मार रही है। जब भी इस पे हम लोग बिजली की सप्लाई देते हैं तो अब बॉडी के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बॉडी के अंदर हमारा हम जो वायर लगाते हैं तो यहां पे देखिए दोस्तों आपस में अटैच हो रहा है।
और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारा जो आर्मेचर है वो इसको अटैच नहीं होगा। आप बोलेंगे यार प्लास्टिक बॉडी में है तो कैसे करंट लगेगा। दोस्तों देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग ये जो आर्मेचर है ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर अटैच नहीं होता, कभी कभी जब हमारा बैरिंग थोड़ा बहुत लूज हो जाता है यानी थोड़ी उसके अंदर चेक हो जाती है तो थोड़ा बहुत लूज हो जाता है और बॉडी को अटैच होने लगता है, फील्ड कॉइल को आपस में रगड़ खाने लगता है, तो इसी कारण हमारा हमारा जो मशीन है वो करंट मारना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी फील्ड कॉइल कैसे चेक होती है और कैसे इस कैसे खराब, हम लोगों ने आप लोगों को दिखाया कि कहां से खराब है। तो देखिए यहां से आप देख पा रहे होंगे रगड़, यहां पे रगड़ लगी हुई है। ये फील्ड कॉइल क्यों खराब हुई है दोस्तों, यहां पर आर्मेचर की रगड़ लग के तो यहां से फील्ड कॉइल गर्म हुई है। गर्म होने के कारण क्या हुआ, यहां पे जो इसका वायर है वायर पे इसकी जो हीट पहुंची है और आपस में ये उसकी जो उनके तार को अटैच कर गया, तो इसी कारण हमारी जो फील्ड कॉइल है वो खराब हो चुकी है। तो दोस्तों आप भी ऐसी गलती मत करना, अगर आपकी मशीन गर्म हो रही है तो समझ लेना आपकी मशीन खतरे में है। मतलब आवाज से ही पता लग जाता है, एक तो फ्री घूमती है, एक थोड़ी जल्दी बंद हो जाती है मशीन आपकी। जैसे आप लोग बटन छोड़ते हैं, स्विच को एकदम से छोड़ते हैं तो आपकी मशीन एकदम से रुकने की कोशिश करेगी। अगर आपकी मशीन कहीं अटैच नहीं हो रही है तो समझिएगा कि आपकी मशीन बिल्कुल फ्री घूम रही है, आराम से रुकेगी, बिल्कुल काफी देर बाद रुकेगी। तो सबसे बड़ी बात यही होती है, अगर आप लोगों का बैरिंग खराब हो गया है तो आपकी मशीन की जो फील्ड कॉइल है उसको आपका आर्मेचर अटैच होने लगेगा और आपकी मशीन जैसे ये फील्ड कॉइल जली हुई है वैसे आपकी फील्ड कॉइल खराब हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके बीच बीच में अपना बैरिंग वगैरह सब कुछ चेक करते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।